आंखों पर कभी न बांधो पट्टियां, ओ जाने वालों खुले में कभी न जाओ टट्टियां। आप लोगों की ना कोई क्लास है ही नहीं। यक, सब कुछ तो है मीठी घर में, अभी खिलास खिलास क्या आएगी। हेलो, मिलिए लखनऊ की इस नमूना फैमिली से। ए फॉर जे, इनके हेड हैं के साहब। ये पानी तो बहुत ठंडा है पप्पू, कल से स्कूल में गीजर लगवा। पहले भंगार यानी कबाड़ बेचते थे, अब इनका सुपुत्र बहुत सारे शौचालय चलाता है। टट्टियां, जय हमारा बिजनेस, जय अपनी पहचान, जय अपने शौचालय में हगने वालों की ले लगी रवे। मुझे अपने भांजे पे गर्व है। था खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। गाड़ी घोड़ा बंगला सब है, बस इज्जत की कमी है। ये साले कबाड़ी कमबख्त पैदा होके मर कर लिया थे साले। मैं तो जब इनकी शक्लें देखता हूँ ना, तो गाड़ी का शीशा नीचे करके इनके मुंह पर सीधा। शांति रखो शांति। अब कबाड़ी शब्द भी इनके यहाँ बोलना अलाउड नहीं है। सारी पापा, अब कबाड़ियों से कोई नाता नहीं रखेगा, क्योंकि इज्जत मार्केट में नहीं मिलती ना, वरना ये बहुत सारी खरीद लाते। बेटा कितने? जी 150। 150 रेस्टोरेंट चल रहे हैं इसके। पानी भी नहीं है। आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या स्पेशल बनता है? जी जैसे ग्राहक आवे है वैसे आउटगोइंग जावे है। तूने कबाड़ियों की सभा में अपना और मेरा फोटो लगवा दिया। मैं बड़े लोगों के बीच में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम सब की जिंदगी क्यों सत्यानाश करने पे तुली आएगी। कबाड़ की किस्मत नहीं बदलती है, पर कबाड़ी की बदल सकती है। साला कबाड़ी मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहेगा। बहू काम से आई थी या सिर्फ बाद में आई? तो बहनों भाइयों, अपनी फुल फैमिली के साथ आइए और मिलिए इस नमूना फैमिली से। नाम याद रखिएगा, मिस्टर कबाड़ी। ये देखो, गुनाहों की चड्डी पे लगा के बिरादरी के दाग, जब धोने लगे लल्ला तो निकल गया जाग। कबाड़ी।